हमारे साथ मौजूद है जी इस वक्त मुश्ताक साहब, मेंबर पंजाब बार जंग सीट से। मुश्ताक साहब, आपके बिल्कुल नवा में टोबा है, एक बड़ा खूबसूरत शहर है, यहाँ के बासी बहुत बड़ी तादाद में फॉरेन इमिग्रेंट्स हैं। उस शहर में इस किस्म की एक्टिविटी होना, फैसलाबाद से कोई शख्स उठ के आता है, अपना सारा बिजनेस एम्पायर उठा के यहाँ ले आता है, इसको आप कैसी नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ ये ऑर्गेनाइज करने वाले दोस्तों को जिन्होंने ये आज के इवेंट ऑर्गेनाइज किया। और जहाँ तक ये है कि फैसलाबाद से टोबा में अपना ये एक नुमाइश के सिलसिले में ये सामान लाना और ये इवेंट करना एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। टोबा टेक सिंह एक अग्रेसिव प्रोग्रेसिव सिटी, यहाँ पे लोग वेल अवेयर एजुकेटेड और अच्छी एक कम्युनिटी है। मेरा टोबा में भी घर है और झंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे लोग दोस्त आपकी प्रोडक्ट से जरूर मुस्तफीद होंगे। मैंने विजिट किया है आपके इस स्टॉल्स का और यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी और वैरायटी मुझे नजर आई, और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे भी लोग इसमें फायदा उठा सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा आपका जो एड्रेस, जो इंफॉर्मेशन लोगों को यहाँ आपके फैसलाबाद शोरूम की मिलेगी, आपकी जो वहाँ पे वर्कशॉप है वहाँ पे लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। वहाँ पे दोस्त जो हैं वो अपनी मर्जी से अपनी अपने कस्टमाइज जो साइज हैं या अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो बनवा सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छी एडिशन है और एक अच्छी ये वैरायटी फर्नीचर में ये आपने जो फर्नीचर होल्स के नाम से ये शोरूम बनाया है, ये बहुत एक अच्छी काम है। बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब ने ओवरऑल असेस किया सिचुएशन को, टोबा को भी उन्होंने एनालाइज किया, फर्नीचर होल्स की प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी एनालाइज किया। हमारे साथ मियां फैसल अनवार साहब मौजूद हैं, सदर डीबीए टोबा, उनसे बात करेंगे। मियां साहब, जो वोकला की एक एस्थेटिक सेंस है उस हवाले से ये बहुत बड़ा एग्जाम है कि सदर डीबीए टोबा खुद आते हैं और इनॉग्रेट करते हैं इस एग्जीबिशन को, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों का जिन्होंने ये एग्जीबिशन यहाँ लगाई, फिर इन्होंने बहुत अच्छी पब्लिसिटी की इसकी कि बैनर्स अवेजा किया गया, मीडिया पर चलाया गया और हमें तो बकायदा इन्विटेशन दिए गए। हमें आज मधु किया, हमें बहुत खुशी हुई। यहाँ बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है जो फर्नीचर को देख रही है, समझ रही है, उनके साथ इनकी बारगेनिंग चल रही है। हम बहुत महसूस हुए और ये बहुत अच्छी एक एग्जीबिशन है जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने में मिल रही है। टोबा में इतनी वैरायटी मैसर नहीं है जो इन्होंने यहाँ टोबा लाकर पैदा की है। फिर उनको ये फैसिलिटेट कर रहे हैं कि अगर हमारी एग्जीबिशन ख़त्म भी हो जाती है, हम अपने राबता नंबर देंगे, हमारे मुख्तलिफ शहरों में हैं फर्नीचर के स्टोर्स हैं, आप उधर आके आपको इंशाल्लाह अकोमोडेट करेंगे कीमत के हिसाब से भी और आपकी चीज़ों के हिसाब से। जो चीज़ें हम आपको देंगे उनकी हम गारंटी भी देंगे तो वो पायदार होंगी। मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, मुझे अच्छी एग्जीबिशन देखने का मौका। अच्छा मियां साहब, एक और छोटी सी एडिशन चाहूँगा कि फर्नीचर होल्स की प्रोडक्ट आपने देखी है, फर्नीचर होल्स इन अ करंट सिचुएशन वन ऑफ द बिगेस्ट फर्नीचर ब्रांड इन पाकिस्तान, तो इनके फर्नीचर की क्वालिटी, उसमें डाइवर्सिटी और एडवर्सिटी देखी है आपने, तो क्या कहेंगे उस हवाले से? नहीं, बहुत अच्छी फिनिशिंग है, मैंने देखा है फर्नीचर में कि जो फर्नीचर बनाया गया यहाँ पेश किया गया है उनमें फिनिशिंग बहुत अच्छी है। जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया, जो लकड़ी इस्तेमाल, मैं इतना कारीगर तो नहीं हूँ लेकिन जो सामने नज़र आ रहा है कि अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि हम जितने हैं कि एक चीज़ अच्छी मुनासिब और अच्छी कीमत में लेना चाहते हैं जो एक फैंसी भी हो, वो फर्नीचर में नज़र आ रही है। उसकी पॉलिश वगैरह जो बहुत अच्छे डिज़ाइन है, मैं तो इन्हें कहता हूँ कि ये लगनी चाहिए, लोगों का मोराल अप होना चाहिए जिसमें लोगों को अच्छी चीज़ें खरीदने का मौका मिलना चाहिए। ज़बरदस्ती। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है जी, जैसे जहाँ पे सदर बार मौजूद होते हैं वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी का होना लाजमी है, ऐसे ही है जी? जी बिल्कुल। अच्छा खालिक साहब, ये बताइएगा कि जो टोबा की पैराफ्रीज हैं जिनमें कमालिया है, पीर महल है और दीगर छोटे छोटे जो कस्बे हैं, ज़ाहिर है उनको भी ये फर्नीचर एग्जीबिशन एंगेज करेगी, उन लोगों के लिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर उनके घर में कोई शादी का इवेंट है या वो अपना फर्नीचर रिप्लेस करना चाहते हैं तो उनके डोर स्टेप पे फर्नीचर होल्स ने ये सारी प्रोडक्ट पहुंचा दी हैं? जी, पहले तो मैं फर्नीचर होल्स की पूरी टीम को, सीईओ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने टोबा टेक सिंह को इस एग्जीबिशन के लिए मुंतखब किया और इतनी आला किस्म का फर्नीचर टोबा टेक सिंह में आना बड़ी टोबा टेक सिंह की शादियों के लिए भी खुशकिस्मती है, जो अपनी शादी या दीगर अपने घर के लिए
इस आला किस्म का फर्नीचर खरीद सकेंगे और अपनी खुशियां दुबला कर सकेंगे। क्या बात है जी। खलील कैसर एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये इन्होंने हमारी तरफ से एक मेज़बानी का हक भी अदा किया है और हमारे यकीनन मेहमान भी हैं। खलील साहब, आपने यहाँ पे जो हमारे वोकला बरादरी के बड़े अहम चेहरे हैं उनको यहाँ पे हमारे लिए अरेंज किया, वो यहाँ पे आए, इसके लिए तो पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा, आप बतौर सामे बतौर नाजिर इस एग्जीबिशन को, इस एफर्ट को जो फर्नीचर होल्स की है, जो राना तनवीर साहब की है, इसको कैसे देखते हैं? नहमद हो नसली अला रसूल करीम अम्माबाद फौज बिल्ला हमन शही तो रजीम बिसमिल्लाहमानरहीम। टोबा टेक सिंह अपनी एक हिस्ट्री रखता है पूरे पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान का अगर हम जायज़ा लें एजुकेशन के हवाले से तो पहले नंबर पर कराची आता है, पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर टोबा टेक सिंह आता है और पंजाब के हवाले से टोबा टेक सिंह का पहला नंबर है। और इस शहर में एक कमी जो है ये महसूस की जा रही थी कि ऐसी एग्जीबिशन जो है वो होनी चाहिए, बल्कि तवातर के साथ होनी चाहिए। और ये राना तनवीर अहमद ख़ान साहब जो है सीओ, इनकी नज़र जो है वो जैसे कोई एक तजर्बाकार शख्स जो है अपने देखता है कि यहाँ पर गुंजाइश मौजूद है, उन्होंने यहाँ पर एक फैसला किया और हमें खुशी हुई है इस बात में कि हमने इनके साथ जो है वो इंटीमेसी करके यहाँ पर इनको दावत दी है और आइंदा भी यहाँ हमारी इनके साथ ऐसा ही तावन रहेगा। और ये सूरत हाल ये है कि इनके इनको एडवाइस तो नहीं कर सकते हम, इनको सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये अपना मुस्तकिल सेटअप जो है ये टोबा टेक सिंह में ये खोल लें, ताकि ये टोबा टेक सिंह जो है चार तहसीलों पर मुश्तमिल है। चारों तहसीलों में टोबा टेक सिंह जो है ये फर्स्ट टाइम जो है ऐसी ये नुमाइश जो है वो सॉरी देखने को मिल रही है। और सूरत हाल ये है कि टोबा टेक सिंह के लोग जो हैं वो महजूद हो रहे हैं, वो जौकदार जौक आ रहे हैं। इसके अलावा जो ये कसम पुरसी का और दौरे इब्तला है, इसमें सवाए टेंशन के और कुछ आवाम को हासिल नहीं हो रहा है। अगर ऐसे लोग जो है वो सीओ साहब की तरह के लोग आगे बढ़ कर लोगों को रिफ्रेश करना चाहते हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं, लोगों को एक सुकून देना चाहते हैं, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे हम महजूद हो रहे हैं, ये हमारे लिए एक मौका फराहम किया है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। मौसी साहब, आप एडवेंचर करने के आदी हैं, तो सिंपली बताइए कि ये एडवेंचर कैसा है स्टिल अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने वकला बरादरी मेंबर पंजाब बार, टोबा बार के सदर जनरल सेक्रेटरी और मेरे इतने दोस्त वकला भाई तशरीफ लाए हैं, इनका तहे दिल से मशहूर हूँ कि इन्होंने इतना अपना कीमती टाइम निकाला और इधर आए। और दूसरे नंबर पर मैं, जैसे कि खलील कैसर साहब हमारे मोहसन भाई हैं, इन्होंने कहा कि लिटरेसी रेट टोबा में बहुत ज़्यादा है, तो हम चाहते थे कि जिधर बाशऊर लोग रहते हैं ना, उन्हें एक बाशऊर और अच्छा क्वालिटी का फर्नीचर भी फराहम किया जाए। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने टोबे का इंतखाब किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं टोबे के अवाम का, यहाँ के रहायशियों का तहे दिल से मशहूर हूँ कि जिन्होंने हमारी इस अपील पर, इस नुमाइश पर जोक दर जोक आए और बहुत ज़्यादा ख़रीदारी की और हमारी हौसला अफजाई की। एक दफ़ा फिर उन टोबे के लोगों का, अवाम का और बुकला बरदरी का, फर्नीचर हॉल्स की इंतजामिया, फर्नीचर हॉल के वर्कर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फर्नीचर हॉल की चूंकि फितरत में शामिल है, फर्नीचर हॉल के मैनिफेस्टो में शामिल है कि फर्नीचर हॉल इज्जत देता है और इज्जत देना जानता है, तो आज चूंकि मुश्ताक साहब अपने इंतहाई कीमती टाइम से एक मखसूस वक्त का पोर्शन निकाल के यहाँ पे आए हमारी हौसला अफजाई के लिए, तो एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है तनवीर साहब की जानिब से मुश्ताक साहब के लिए। जी सर, सेक्रेटरी जी, उनको हमारे फैसलाबाद की बड़ी मारूफ शख्सियत, वकला बरादरी में बड़ा नाम एक फैसलाबाद में, मियां शफीक साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी डीवीए टोबा, उनको श्री साहब को इम्तियाज भट्टी साहब, फर्नीचर होल्स की जो लीगल टीम है इम्तियाज भट्टी साहब उसके बड़े इंटेग्रल पार्ट हैं जी। और